हरियाणा के लाखों किसानों को प्रदेश की मनोहर सरकार 2019 में नया तोहफा देने की तैयारी में है। प्रदेश सरकार किसानों के लिए जल्द ही पेंशन शुरू करेगी। इसके लिए सरकार ने कमेटी गठित कर दी है जो ये तय करेगी कि इसके मापदंड क्या हो और किन किसानों को पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। प्रदेश के बीजेपी किसान मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष ग्रामीण समुदायक महिपाल ढांडा से बात की हमारे संवाददाता देवेंद्र कथुरिया ने। देश में किसानों के कर्ज का मुद्दा आजकल काफी गरमाया हुआ है और पॉलिटिकल पार्टीज इस मुद्दे को लेके इतने वायदे कर रही है कि उनको लगता है कि इससे सरकार आएगी। हरियाणा में भी मुख्यमंत्री ने ये ऐलान किया है कि हम किसानों के कर्ज तो माफ नहीं करेंगे, लेकिन किसानों के लिए मतलब उनके लिए ऐसी योजनाएं लेकर सरकार आ रही है कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, उनको कर्ज लेने की जरूरत ही ना पड़े। हमारे साथ पानीपत ग्रामीण के विधायक महिपाल ढांडा जी हैं। ढांडा साहब, एक अच्छी शुरुआत हरियाणा में, जैसा आपका कहना है कि किसानों के लिए पेंशन की योजना की शुरुआत कर रही है, इसका खाका क्या है? कैसे सरकार किसानों को मतलब मदद करना चाहती है? देखिए, अभी पिछले दिनों कांग्रेस के दो तीन स्टेटों में सरकार आई, तीन स्टेटों में, उनका हम लोग किसानों का कर्ज माफ करेंगे, कर्ज माफी के नाम पर उन्होंने सरकार बना ली। कर्ज माफ किन का किया? जो फसली ऋण था उस फसली ऋण को माफ करके वहां के किसानों के साथ उन्होंने बहुत बड़ा विश्वासघात का काम किया है। अब फसली ऋण तो वैसे ही वहां की सरकारें 0% इंटरेस्ट पे उनको दे ही रही थी। बात तो तब बनती जब वो राष्ट्रीयकृत बैंकों का भी और उनका पुराना जो कर्ज भी था वो भी माफ करते हैं, तो समझ में आता कि कर्ज माफी क्या होती है। हमने कभी नहीं कहा कि हम लोग कर्ज माफी करेंगे। अब जैसे हरियाणा की विधानसभा का सेशन था, उस सेशन में जिन जिन लोगों ने जो अपने कॉल अटेंशन लगा रखे थे वो उसके ऊपर बोले नहीं। वो तो शुरू में गुस्से करने लगे कि आप ये बताइए कि आप लोग किसानों का कर्ज माफ करेंगे कि नहीं करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने का साफ तौर पे कहना है कि हम लोग किसानों को उसके वो अपने पैरों पे खड़ा हो उसके लिए हम उनको सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। जैसे बरसों बरसों पुराने बिजली के कनेक्शन वो दे ही नहीं पा रहे थे, हमने एक मुश्त 44,000 कनेक्शन रिलीज करने का ऑर्डर कर दिया। इतना बड़ा काम वो सोच भी नहीं पा रहे थे। 10 रुपए गन्ने का भाव बढ़ा के आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गन्ने का भाव हरियाणा प्रदेश की सरकार ने किसानों को दिया है। पेंशन की जो आप बात कर रहे हैं, ये कोई पेंशन की जो हम योजना बना रहे हैं, ये तो जब हमारी सरकार भी नहीं थी तब आदरणीय धनखड़ जी, सुभाष बराड़ा जी, हम लोग, क्योंकि मैं किसान मोर्चे का अध्यक्ष भी रहा हूं स्टेट का, तो और भी बाकी देश भर के ऐसे कुछ साइंटिस्ट, कुछ इस तरह के जो एग्रीकल्चर पर काम करने वाले लोग हैं, एक बहुत बड़ा ग्रुप बैठा और बैठ के तब से हमारा ये डिस्कस चल रहा था कि देश में किसानों को उन्नत बनाना है, देश के किसान को खुशहाल और समृद्ध बनाना है, इसलिए उनकी कोई ना कोई अच्छी योजना होनी चाहिए। मेरी जानकारी के मुताबिक हरियाणा में 18 लाख किसान परिवार हैं, जो परिवार जिनका खेती पे किसानी भी पलता है, 18 लाख संख्या है। नए साल में लोग जैसे, ये हरियाणा के लिए खुशखबरी भी होती है हरियाणा के किसानों के लिए, मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि कर्जा माफ हम नहीं करेंगे, लेकिन इतना किसानों को इतना निर्भर बना देंगे, मतलब उनके लिए इतना कुछ कर देंगे कि उनको कर्ज लेने की जरूरत ना पड़े और कर्ज माफी की गुहार भी ना लगानी पड़े, तो नए साल में मतलब लोग उम्मीद कर सकते हैं, किसान जो है जिनको जिनके लिए खुशखबरी है कि शायद नए साल में 3रे महीने में, 4थे महीने में ये पेंशन की शुरुआत हो सकती है, और इसका खाका क्या होगा? देखिए, हम काफी दिनों से इस पे काम कर रहे हैं, वो मोटा मोटा आखिरी स्टेज तक हमारी वो बात पहुंच गई है। अभी एक बार उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और बाकी भी जो हमारे कमेटी के लोग हैं तो उनके साथ एक बार उसको अंतिम प्रारूप देके और इस काम को कितना जल्दी हम लोग कर पाएंगे हमारी ये सोच है। मुख्यमंत्री ने रोड शो कई जिलों में किए हैं, जनसभाएं की हैं, 2-2 दिन रुकी हैं, लेकिन पानीपत उनका इंतजार कर रहा है, लंबे टाइम से पानीपत का कार्यक्रम नहीं बना, इसकी कोई खास वजह? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी पिछले दिनों आए माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरी विधानसभा में आए, एक रिकॉर्ड तोड़ रैली करके गए, उस रैली ने यहाँ के लोगों की नींद भी उड़ा दी, जो लोग राजनीति में अपना काम वाम करते हैं उनको लगता था कि रैली ऐसी होगी वैसी होगी, मगर जबरदस्त रैली हुई। वो पानीपत में लगातार 3-4 बार लगातार आ चुके हैं और रोड शो के लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो रोड शो करने के लिए, उन्होंने कहा या रैली करिए या रोड शो करिए, हमने रैली भी की है
और अभी उनका रोड शो भी करेंगे। हरियाणा में नए साल पर लाखों किसानों के लिए खुशी की बात यह है कि सरकार उनके लिए पेंशन योजना पर विचार कर रही है और संभवतः इस योजना को हरी झंडी भी दी जाएगी। सहयोगी कपिल के साथ वेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत।